प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया लव फैशन। सो मैं आज आपके साथ फर्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ मेरा गेट रेडी विद मी विद स्मोकी आई। तो आइए देखते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया। फर्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे परफेक्ट रेडियंस लाइट क्रीम। इसे मैं ऐसा मॉइस्चराइजर अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं करूँगी प्राइमर। प्राइमर को मैं अपना सेम प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, मेवरिन ड्रीम वन डे परफेक्ट प्राइमर। मुझे मोस्टली ये प्राइमर ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसे अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। सो अब मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन। फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ मेवलिन फिट मी फाउंडेशन इन दी शेड 220। इसे मैं अपने फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी। तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया। मैं एक डैब ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसे अपने फेस पर सेट कर इसे पुश करके अप्लाई करूँगी। सो आप अच्छी तरह से डैबिंग मोशन में फाउंडेशन को अप्लाई कीजिए, इससे आपका फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। इसे मैं अच्छे से अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी ऑल ओवर अपने फेस पर। सो मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन एंजल वाइन कंसीलर। इसे मैं अपनी आई लेट पर अप्लाई करूँगी। सो इसे मैं अपनी आई लेट पर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। अपनी अंडर आई एरिया पे मैं इसे थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लूँगी। अब मैं सेट कर रही हूँ पाउडर से। मैंने यूज़ किया है मेबेलिन फिट मी लूज पाउडर। तो इसे मैं अच्छे से अपने फेस को सेट कर लूँगी। इसे मैं थोड़ी देर ऐसे रहने दूँगी बेकिंग के तौर पर। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट। इसमें SPF है तो ये मेरे डे टाइम लुक में मुझे थोड़ा SPF भी प्रोवाइड कर देगा। सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन द न्यूड्स पैलेट। इसमें से मैं एक ब्राउन शेड लेके इससे अपने फेस को कंट्रोल करूँगी। तो अब मैं मेबेलिन द मास्टर पैलेट में से ब्लश शेड लेके अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। मुझे ब्लश बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बिल्कुल लाइट शेड है, आपके फेस पर ओवर ब्लश नहीं लगता, बिल्कुल नेचुरल आपके फेस पे ब्लश लगता है। सो नेक्स्ट मैं मेबेलिन द न्यूड पैलेट में से एक लाइट वाइट शेड लेके इसे एज अ हाईलाइटर अप्लाई करूँगी। अब मैं अपने ब्राउज को फिलिंग कर लूँगी मिस कलर के आईब्रो पेंसिल से। सो मैं स्टार्ट करूँगा आई मेकअप। मैं यहाँ पर मेबेलिन द न्यूड पैलेट में से एक ब्राउन शेड लेकर अपने फेस पर ऐसा ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूँगी। सो इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अपने आई लिड पर। सेम मैं दूसरे आई लिड पर भी इसे अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं न्यूड पैलेट में से ब्लैक शेड लेके फिंगर की हेल्प से अपनी आई लिड पर अप्लाई कर लूँगी इस तरह से। अपनी दोनों आई लिड पर मैं इसे अप्लाई कर लूँगी
इसके बाद मैं इसे ब्लेंडिंग मशीन से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना बने। सब में इसमें से सब में मेबलिन द रोज गोल्ड पैलेट में से ब्लैक शेड लेके, ये थोड़ा ग्लिटरी ब्लैक शेड है, इसे मैं अपनी आई पे अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं जो एक्सेस है मेरे फेस पर लग गया, सो मैं रिमूव कर रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, मेबलिन लैश सेंसेशनल मस्कारा। मैं इसे अच्छे से अपने लेसेस को कर्ल कर लूँगी। सो मैं यूज़ कर रही हूँ काजल, प्लम्प का ब्लैक काजल। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 9 to 5 मैट लिपस्टिक इन द शेड रेड। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे शील हाइलाइटर। सो मैं अपने फेस पर थोड़ा डूई लुक चाहती थी, इससे मैं थोड़ी थोड़ी अपने फेस पर और अप्लाई कर रही हूँ। सो ये मेरा फाइनल फिनिश लुक। अब मैं आपको अपनी ड्रेस वेयर करके मिलती हूँ। सो मैंने अपनी ड्रेस वेयर कर ली गाइस, ये देखिए मेरा मेकअप लुक और ये है मेरा हेयर स्टाइल। मैंने एक मैसी बन बनाया है। सो दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जो बताया आपको वीडियो।